नमस्कार दोस्तों, भाई यार प्रोपेगेंडा वीडियोस देखकर मेरा हालत भी ऐसा ही हो गया है। तो गाइस आज के इस वीडियो पर हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं पोको X6 Pro 5G, इंडिया बजट फ्रेंडली गेमिंग फोन विद MediaTek's वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ये है दूसरा वीडियो ऑफ AVM 2.0। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू AVM अनबॉक्सिंग। चले गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईवीएम अनबॉक्सिंग की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अनबॉक्स करने से पहले बॉक्स को एक बार देख लेते हैं। बॉक्स में आपको पोको X6 की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ ही फोन के कुछ मेनली हाइलाइट्स है, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फो और प्राइसिंग वगैरह लिखा हुआ है। दोस्तों बिना देरी के अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स करते ही पहले जो है हमें एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, उसके अंदर फोन किट और यूजर मैनुअल मिलता है। उसके नीचे हमें हमारा प्यारा सा फोन दिखाई पड़ता है, साथ ही में हमें एक 67 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट वी गेट अ USB टू USB-C केबल। तो ये था बॉक्स के अंदर के आइटम्स। तो गाइस अब फाइनली बात करते हैं फोन के बारे में। का फर्स्ट लुक काफी इंप्रेसिव था और जब हाथ में पकड़ते हैं तो मतलब प्रीमियम फील भी देता है। और ये फोन मतलब करीब 180 टू 190 ग्राम्स वेट करता है और इस फोन में आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। हम पे तो आई नो सॉरी मतलब क्वाड कैमरा नहीं, तीन कैमरा का एक सेटअप मिल जाता है और एक फ्लैश लाइट मिल जाता है। फोन का बैक प्लास्टिक से बना है बट इट गिव्स अ प्रीमियम फील। नीचे की तरफ हमें एक USB-C पोर्ट मिल जाता है, साथ ही में एक माइक्रोफोन है, उसके साथ एक स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। और दुख की बात यह है कि इस फोन में कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं है। ऊपर की तरफ देखें तो हमें एक माइक्रोफोन, एक सेंसर और एक स्पीकर भी मिल जाता है। साइड की तरफ एक पंच होल कैमरा है। एक बढ़िया चीज, इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो ये हो गया फोन का फर्स्ट लुक, अब चलते हैं डिटेल्ड रिव्यू पर। पहले जो है फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। हमें एक 6.67 इंचेस का 1.5K के रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। और इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है 1800 निट्स, मतलब डिस्प्ले बहुत ही सॉलिड है। यूट्यूब पर आप 4K HDR वीडियोस देख सकते हो, वीडियोस बहुत ही क्रिस्प और क्लियरली दिखाई पड़ता है और आई पर्सनली लाइक द डिस्प्ले ऑफ दिस फोन। चलो अब बात करते हैं जो चीज़ इस फोन को एक गेमिंग फोन बनाती है। इसमें हमें MediaTek Dimensity 8300 Ultra मिल जाता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। और इस फोन का एंतुतु स्कोर करीब 13 से 14 लाख तक है, मतलब इसका एंतुतु स्कोर भी बहुत ही बढ़िया है, यानी ये फोन गेमिंग के लिए परफेक्ट है। फोन में आपको Android 14 मिल जाता है और इस फोन का कस्टम UI है HyperOS। फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप BGMI 90 FPS पर खेल सकते हो, Fire को मैक्स सेटिंग पर खेल सकते हो। गेमिंग फोन है तो एक गेमिंग टेस्ट तो बनता है ना, तो मैंने क्या किया है कि गेमिंग टेस्ट के लिए फ्री फायर को जो है मैंने मैक्स सेटिंग पर किया है। और अब एक क्लैश स्क्वाड मैच खेल के देख लेते हैं। भाई एक करे भाई एक करे। हो गया मतलब फोन तो तगड़ा है भाई। गेमिंग फोन है फिर भी इसका कैमरा एक बार देख लेते हैं। फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है और एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। गेमिंग फोन होने के बावजूद भी इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। कुछ फोटोज मैंने इस फोन पर खींचा है और इस फोन के रेयर कैमरा से आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरा में 180p 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इस फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। फोन का दो वेरिएंट से एक है 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज, दूसरा है 12GB रैम और 512GB का स्टोरेज। फोन का प्राइसिंग देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं क्या ये फोन एक बजट गेमिंग फोन है या फिर नहीं।
फोन का 8GB वेरिएंट का प्राइस है 25,499 और 12GB वेरिएंट का प्राइस है 27,499। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और एवीएम अनबॉक्सिंग में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एवीएम अनबॉक्सिंग एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।